हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आलू दही रायता की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। गर्मी का सीजन हो और ताजी ताजी रायते मिल जाए तो खाने का मजा ही आ जाता है। ये रेसिपी बिल्कुल 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार होगा और बहुत ही स्वाद से भरा होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। रायता बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 कटोरी दही, 1 आलू बड़ा सा हमने बॉयल करके पील करके उसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट रखे हैं, 1 बड़ा साइज टमाटर का शीट निकाल के हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट रखे हैं। मसाले में हमने लिया है ब्लैक पेपर, पुदीने का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सफेद नमक, हरी मिर्च, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा काला नमक। गार्निशिंग के लिए हम पुदीने की पत्ती यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें दही को डाल लेंगे। 1 चम्मच की मदद से हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें आलू ऐड करेंगे। तो चम्मच की मदद से हम आलू को धीरे धीरे बॉल में गिरा लेंगे। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्यूब्स में हमने काटा है। आप चाहें तो हाथ से भी बारीक फूलते डाल सकते हैं, पर क्यूब्स में कटा हुआ थोड़ा सा सुंदर दिखता है। अब हम उसमें टमाटर डाल लेंगे। टमाटर से रायते का कलर भी सुंदर लगता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे। 1 कटी हुई हम हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च की मात्रा कम कर दीजिए। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा हम 1/2 चम्मच शक्कर डालेंगे। अब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तो यहाँ आप अपने तीखा के अनुसार डालिए। अब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 हम गार्निशिंग के लिए बचा ले रहे हैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना पाउडर, इससे क्या होता है रायते के स्वाद में मजा आ जाता है। अब हम थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। सभी इंग्रीडियंट्स को हम 1 चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं अभी से कितनी खूबसूरत लग रही है अपनी रायता। तो आपने देख लिया, हमने रायते को अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी कि दही के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम लास्ट में इसे जीरा पाउडर से गार्निशिंग करेंगे। तो हम हल्का हल्का जीरा पाउडर डालेंगे। तो आपने देख लिया, हमने जीरा पाउडर से गार्निशिंग कर लिया। अभी इसे और खूबसूरत बनाने के लिए हमने 1 छोटा सा पुदीना पत्ता रख दिया है। ये आप चाहें तो रखें, नहीं रखें तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये पूरी, पराठे, चावल के साथ सभी जगह सेट हो जाता है। ये रायता गर्मियों का राजा होता है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।